I am standing next to a legend of Indian sport who has returned from the Commonwealth Games with a gold medal yet again. Sushil Kumar is here with me. बहुत बहुत बधाई पहलवान जी, आपके पास ये जो गोल्ड मेडल है हमें पहले दिखाइए, क्योंकि काफी वेट करना पड़ा है इसके लिए. इसका ये जो वेट है, इसी का एक आनंद हुआ है आपको? बहुत अच्छा ये कॉमनवेल्थ हमारे सबके लिए रहा है, और मैं मानता हूँ कि बड़ा अच्छा, एक अच्छी मेहनत की हुई थी इसके लिए, और कई साल से लगे हुए थे, और बीच में जो एक गैप था उसके बाद दोबारा आना और फिर उसके बाद परफॉर्म करना, तो सभी का जो इतना मेहनत थी वो मैं मानता हूँ कि वो सफल हुई है. गुरु जी हैं सतपाल जी, और कोच साहब हैं विनोद जी, व्लादिमीर कोच हैं मेरे, वीरेंद्र जी हैं, और जो सब लोग पूरी टीम मेरे साथ में लगी हुई हैं, भाई हैं जो जितने भी, तो उनकी मेहनत है जो वो ये मेहनत है. लेकिन कितना मुश्किल था सुशील के लिए, क्योंकि सुशील कुमार ना कि रेसलिंग में लेकिन भारतीय स्पोर्ट में एक लेजेंड हैं. आप सिर्फ एक ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल लिया है. जब आप वापस आए स्पोर्ट में तो सवाल तो थे आपके मन में, थे क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकता हूं, क्योंकि इतने साल आप जब बाहर रहे हैं कॉम्पिटिशन से, तो चैंपियन खिलाड़ी भी सोचता है कभी कभी कि क्या मैं कर सकता हूँ. आपने वो माइंड में कभी आया? देखो जी भाई, हमेशा जब आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहती है ना, पॉजिटिव लोग रहते हैं, तो ये चीज़ें कम दिमाग में आती हैं, और दिमाग में एक बार ये चीज़ें घुस गई ना, तो वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है वो निकालना. तो मैं दिमाग में बस यही रखता था कि हाँ, ट्रेनिंग करनी है, और सब लोग जो जितने भी साथ में रहते हैं, गुरु जी हैं सतपाल जी और स्वामी बाबा रामदेव जी हैं, मैं कभी भी उनसे मिलता रहे, आप कर सकते हो, करो आप, कोच साहब हैं, भाई हैं जितने भी, तो वो पॉजिटिव एनर्जी है जो वो, उसका मैं मानता हूँ कि ये असर है, कि मैं ना दिमाग में ये चीज़ आई कि इतने दिन से मैं खेलना बंद किया हुआ है, 4 साल हो गए मेरे को. और हाँ, एक बार बीच में ऐसा लगा था जब इंजरी हो गई थी घुटने में, कि यार कम बैक कर रहा हूँ तो कभी परेशानी हो, मगर फिर उसके बाद अब आज मैंने जो ट्रेनिंग की है, तो मेरे जो कोच थे वो ये कह रहे थे कि कंपटीशन से आप आए हो तो आप में और इम्प्रूवमेंट है. तो मैं मानता हूँ कि कंपटीशन तो चाहिए ही चाहिए, और ये संजीवनी बूटी का काम करेगा आने वाले टूर्नामेंटों में. इतने साल बाद जब आप कंपटीशन में आते हो, क्या, क्योंकि आप जब, मैंने आपको देखा है जब आप ओलंपिक में जीते हैं दोनों बार, और जब आप प्रिपेयर भी करते हो, आप हमेशा एक रेडी, आपको पता है, माइंड रेडी होता है कि मैं अगर ये दाव नहीं लगा तो दूसरा दाव क्या लगाऊं. इस बार भी सब वैसे ही था? हाँ, कैलकुलेशन तो वही चाहिए दिग्विजय भाई, क्योंकि आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी सेकंड के, आपको पता है रेसलिंग में सेकंड के 100वें हिस्से में भी आपका जो डिसीजन है वो गलत चला गया ना, तो वापसी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है और वापसी करने में उससे ज़्यादा ताकत लगेगी. तो पहले से ही कोशिश यही थी कि कुश्ती को अपनी तरफ पकड़ के रखें और समय समय पर अटैक करते रहें. आप बहुत शांत अभी हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं, लेकिन ये पिछले 2-3 साल जो आपके लिए गए हैं, ये काफ़ी डिफिकल्ट रहे हैं. आप एज, हम आपको पर्सनली भी, आपके साथ मुलाकात हुई है, तो पर्सनली भी बहुत डिफिकल्ट रहा है आपको, आप कैसे पॉजिटिव रहे इस 2-3 साल में? मैंने कहा ना दीदी कि आपसे भी मेरी बात होती थी कभी भी, या मैं किसी, मैं अभी राधिका मैडम है, उनसे मेरी बात होती थी, तो वो हमेशा यही बोलते कि सुशील, जो होता है भगवान अच्छे के लिए करता है, और आप लगे रहो बस. तो जो भी लोग मेरे को मिले, जो वो, किसी ने भी मेरे को ये नहीं, नेगेटिविटी नहीं आने दी अंदर, तो बस उसी का मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब लोग, जो जितने भी लोग मेरे साथ में रहते हैं, साथी हैं, भाई हैं, वो सब ने पॉजिटिव मेरे को रखा है कि हाँ, नहीं, आप कर सकते हो, कर सकते हो. तो वो एक आपका जो यहीं से सिस्टम चलता है, दिमाग से, आप दिमाग से स्ट्रोंग हो, आप सोचता, सोच आपकी अच्छी है तो आप कर सकते हो. मेरे को तो अब ये लगा है, और कई बार मेरे दिमाग में भी आता था कि यार, कि मेरी संतुष्टि के लिए तो नहीं बोल रहे हैं भाई लोग, तो मगर नहीं, सब लोग मेहनत करते रहे. और इस कॉमनवेल्थ के बाद मैं बताया ना कि आज मैंने ट्रेनिंग की, तो मेरे को खुद अंदर से ये लगा कि हाँ, और कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा है. तो आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे कि हो, करते रहो, होगा, अब आपको खुद महसूस हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, आपको अब लगता है कि आपके पास वो दोबारा एक नई एनर्जी आई है, कि जो
रह गया उसको कंप्लीट करना है। आप हमेशा चाहते थे कि ना कॉमनवेल्थ लेकिन ओलंपिक में आपके लिए आपको चाहिए था कि तीन में मेडल जीतूं या गोल्ड जीतूं। ब्रॉन्ज हो गया था, सिल्वर हो गया था, आप सबको ये लग रहा था कि हाँ सुशील कर सकता है, तो बस उसी उम्मीद से फिर से एक बार जुटेंगे कि हाँ वो चीज़ करें और सब की, क्योंकि डॉक्टर के पास कभी आप जाओ तो डॉक्टर यही बोलते हैं ना भी यार दुआ आप लोग करो, तो आप सबकी दुआएँ चाहिए हैं, आशीर्वाद चाहिए है बड़ों का कि फिर से देश के लिए खेलें और देश के लिए मेडल जीतें।